बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब जब हम बाबा साहेब को याद करते हैं, उनकी एक सबसे अलग छवि और सबसे अलग विचार हमें प्रेरणा देती है। आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर महार जाति से ताल्लुक रखते थे। उस दौर में उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। बेहद कठिन हालातों में भी पढ़ाई करने वाले बाबा साहेब ने स्कूल में भी भेदभाव का सामना किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था, लेकिन वो कहते हैं ना, बिना संघर्ष के सफलता हासिल नहीं होती। शायद उन्हीं संघर्षों के कारण आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के संविधान को गढ़ दिया और अपने सफलता का परचम पूरे देश में लहरा दिया। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने हमेशा से ही समानता और अपने हक की आवाज को उठाने की बात कही है, चाहे महिला हो या पुरुष। उन्होंने दोनों की बराबर की हिस्सेदारी और हर मुद्दे पर अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कही है। उन्होंने अल्पसंख्यकों और गरीबों को अपने अधिकारों के लिए अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया है। अब जरा बाबा साहेब के अनमोल विचारों की ओर रुख कर लेते हैं। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है, उतनी ही महिलाओं के लिए। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति झुक सकता है वो झुका भी सकता है। अपने भाग्य की बजाय अपनी शक्ति में विश्वास रखो। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। तो ये थे वो विचार जो बाबा साहेब ने प्रखर तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखे। एक नजर बाबा साहेब के शिक्षा की तरफ भी डाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शुरुआती शिक्षा में बेहद ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। लेकिन बाबा साहेब बचपन से ही बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़कर अपनी शिक्षा पूरी की। मुंबई के एलिफंस्टन रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले वो पहले अछूत छात्र थे। बाद में 1913 में अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली। 1916 में बाबा साहेब को शोध के लिए सम्मानित किया गया था। 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले और विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल पक्षधर थे, और उनका मानना था कि भारत की प्रगति के लिए लैंगिक समानता आवश्यक है। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, और उन्होंने देश की कानूनी व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अंबेडकर को भारत सरकार द्वारा 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत भारत में सामाजिक न्याय आंदोलनों को प्रेरित और प्रभावित करती रही है। शायद यही कारण है कि आज भी हम बाबा साहेब के जन्मोत्सव को मनाते हैं, और आज के युग में बाबा साहेब की ये प्रेरणादायक गाथा युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। युवा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संघर्षों से काफी कुछ सीख सकते हैं। जीवन जीने के मूल मंत्र और सफलता के लिए इसे प्रेरणा के तौर पर ले सकते हैं।